नमस्कार, मैं प्रियांशु शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। डोंगरगढ़ के विकासखंड क्षेत्रों के ग्राम पालनदूर में भालू की उपस्थिति से दहशत का माहौल है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है और भालू पर नजर रख रही है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जबलपुर के तलवारा घाट में लहराएगा। आपको बता दें कि जबलपुर की तलवारा घाट में नगर निगम जबलपुर के द्वारा एक नया इतिहास रचा है। हमीरपुर खदान में ट्रक चालक की हुई मौत, चालक पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने खदान संचालक पर हत्या का आरोप लगाया है। मेडिकल की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर उठे सवाल। जबलपुर के मेडिकल के मेन गेट और पुलिस चौकी के बाजू से खुलेआम दिन दहाड़े चली चाकूबाजी की घटना में दो युवकों को आई गंभीर चोट। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन की अमेठी शाखा ने अमेठी स्थित एक निजी संस्थान में बैठक की, जिसमें जिला कार्यकारिणी का गठन किया है। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन विनय कुमार पांडे भी उपस्थित रहे। पानसेमल उपमंडी में विधायक श्याम बरडी और मंडी सचिव मंशाराम जमरे की मुख्य उपस्थिति में मक्का गेहूं की खरीदी प्रारंभ हुई है। मुहूर्त के समय कृषकों का पुष्पहार पहनाकर अभिनंदन किया। घर में रखी कीटनाशक दवाइयों को पी गई बच्ची, मैकास के डॉक्टरों ने दिया नया जीवनदान। जगदलपुर की कोड़ेनार थाना क्षेत्र की राउतपारा में रहने वाली रामिका अपने दोस्तों के साथ घर में खेलने के दौरान घर के ही झोले में रखी हुई कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। सीतापुर बीजेपी जिला इकाई द्वारा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर की जा रही है। इसी संबंध में पार्टी कार्यालय पर चुनाव प्रबंधन की बैठक संपन्न हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए ग्लोबल इंडिया टीवी के साथ।